प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सम्मेलन से पहले मुख्यमंत्री गहलोत की चित्तौड़गढ़, जेतारण और मसूदा में चुनावी सभाएं प्रस्तावित थी, लेकिन फिलहाल इन्हें स्थगित कर दिया गया है। और पार्टी सूत्रों के अनुसार सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री गहलोत और साथ ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे लोकसभा टिकटों को लेकर एक बार फिर से बैठक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली दौरे पर, ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के तमाम आला नेता भी मौजूद रहेंगे। दोपहर को पहुंचेंगे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। राहुल गांधी, डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत तमाम आला नेता कांग्रेस के यहां मौजूद रहेंगे। ओबीसी विभाग का राष्ट्रीय सम्मेलन है दिल्ली में और इसी में हिस्सा लेने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे। और आज संभावना ये भी जता रही है कि वापस लौट के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक बार फिर से लोकसभा चुनाव को लेकर, उनके टिकटों के बंटवारे को लेकर आज बैठक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। प्रीत, मुख्यमंत्री आज दिल्ली दौरे पर है, ओबीसी विभाग का राष्ट्रीय सम्मेलन है, उसमें हिस्सा लेने पहुंचे हैं। जी बिल्कुल ज्योति, तमाम जो कार्यक्रम शेड्यूल थे उनको छोड़ करके आज मुख्यमंत्री दिल्ली आए हैं ओबीसी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। खुद उसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और ओबीसी विभाग के तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई है कि जीते हुए जो तीन राज्य हैं जिन्होंने एक साथ जीत हासिल की थी, और वो तीनों मुख्यमंत्री इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। ऐसे में अशोक गहलोत के साथ साथ कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, मंच पे मौजूद रहेंगे। अशोक गहलोत इस सम्मेलन के अंदर स्पीच भी देंगे। और जिस तरीके से देश में मोदी की बात की जा रही है या किस तरीके से विपक्षी दल जो है भाजपा को किस तरीके से रोके, इसको लेके कांग्रेस की रणनीति पर एक जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही मैं ज्योति बता दूं आपको कि क्योंकि मुख्यमंत्री खुद दिल्ली में मौजूद है, ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि आज राजस्थान की लोकसभा सीटों को लेके एक बार फिर से चर्चा हो सकती है। खुद वो राहुल गांधी से इस संबंध में मुलाकात करके एक बैठक कर सकते हैं। प्रभारी अविनाश पांडे और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद है। ऐसे में ये आज जो लोकसभा की जो पहली लिस्ट है वो भी जारी हो सकती है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है इस बैठक के बाद। जी प्रीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर है, चूंकि दिल्ली में वो ओबीसी के राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी आला नेता मौजूद रहेंगे। और एक अहम बात ये भी, चूंकि मुख्यमंत्री दिल्ली में है तो संभावना जताई जा रही है कि आज बैठक हो सकती है और इस बैठक में डिप्टी सीएम, प्रभारी अविनाश पांडे और मुख्यमंत्री एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की सीटों पर चर्चाएं कर सकते हैं और राजस्थान की पहली लिस्ट जारी हो सकती है।